असलम वेलकम टू फिजोफी चैनल हमारे सारे प्योटिक अट्रासाउंड को डिसकस करेंगे जो कि टोटली डिफरेंट होता है डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड से इसको हम एलेक्ट्रोथेरापी या फिजोथेरेपी के अंदर यूज़ करते हैं एज ए ट्रीटमेंट मैथड बेसिकली पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं इसमें हम जो 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 मोस्ट कॉमनली यूज़ फ्रिकवेंसीज़ कर रहे होते हैं वो वन मेगा हर्ट हर्ट्स होती है या फिर थ्री मेगा हर्ट्स होती हैं अब सबसे पहले हम इसकी प्रोडक्शन को रिव्यू करेंगे उसके बाद वन बाय वन इन हेडिंग्स को रिव्यू करेंगे सो प्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक हाई फ्रिक्वेंसी करंट होता है कोई भी एक हाई फ्रीकुवेंसी करंट होता है वो क्या करता है जो हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड का हेड होता है उसके अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको डीफॉर्म करता है क्रिस्टल्स को जो है डीफॉर्म करेगा अब ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये इधर या तो हमारे पास क्वार्ड्स क्रिस्टल होते हैं या हमारे पास बेरियम टाइटनेट होते हैं हमारे पास दो टाइप के क्रिस्टल्स हो गए बेरियम टाइटनेट के हो गए या क्वाड्स के क्रिस्टल्स हो गए तो हमारे पास क्या होते हैं क्रिस्टल्स डिफाम करते हैं बेसिकली डिफॉर्म के इनकी शेप चेंज होती है और इस जो प्रोसेस को जो है हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक है अब जब ये क्रिस्टल्स डिफॉम होते हैं उसकी वजह से हमारे पास अल्ट्रासाउंड की जो बीम होती है वो प्रोड्यूस होती है और ये जो बीम होती है ये लीनियर फैशन में प्रोड्यूस हो रही होती है सो so, हमारे पास जो है इसकी प्रोडक्शन इस तरीके से होती है अब उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड के सॉरी थायपटिकल के साउंड के जो है पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं वन बाई वन जो हमारे पास सबसे जो पहला पैरामीटर आता है वो इसके टाइप से इसके मोड्स होते हैं तो हमारे पास जो है ये बेसिकली दो टाइप से दो मोड्स में अवेलेबल होता है इधर ही हमारे पास पास जो है सॉरी uh, कॉन्स्टेंट है या फिर ये जो है हमारे पास पल्स होता है अब दोनों मोड्स के डिफरेंट डिफ्रेंट इफेक्ट्स होते हैं अगर हम जो है कांस्टेंट मोड यूज़ करते हैं तो इसका जो हमारे पास इफेक्ट आता है वो थर्मल होता है इसके अलावा अगर हम पल्स मोड यूज़ कर रहे होते हैं तो इसमें अगर हमने टिशू हीलिंग की तरफ जाना है तो हम पल्स मोड यूज़ करते हैं बेसिकली या अगर हमने एडिजन को ब्रेक करना है या स्कार फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना है तो हम पल्स मोड यूज़ करेंगे इसको हम फर्दर और आगे जाकर डिस्कस करेंगे इसके बाद जो हमारे पास इसका सेकंड पैरामीटर है वो हमारे पास इसकी इंटेंसिटी होती है ठीक है इसके लिए हमारे पास दो बेसिकली टर्म्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना जो है वो इम्पोर्टेंट है तो जो हमारे पास पहली टर्म है वो हमारे पास स्पेस एवरेज इंटेंसिटी की है ठीक है अब इसमें हमारे पास क्या होता है ये हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया है ट्रीटमेंट का जिसको हमें ट्रीट करना है सपोज ठीक है तो इस एरिया पे जो हम ट्रीटमेंट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली एवरेज जो इस एरिया पे इंटेंसिटी आके एक्ट कर रही है वो जो है वो स्पेस एवरेज इंटेंसिटी होगी ठीक है इसी तरीके से हमारे पास जो सेकेंड टर्म है वो टाइम एवरेज और स्पेस एवरेज टाइम यही ऊपर वाली स्पेस एवरी टाइम ये वाली टर्म है अब इसमें क्या होता है अगेन हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ ट्रीटमेंट है सही है अब सपोज ये टेन मिनट का सेशन है तो हम इस टेन मिनट के सेशन में जितनी जो है एक एवरेज इंटेंसिटी आ गई इसमें हम बेसिकली एवरेज इंटेंसिटी नोट करते हैं तो जितने इस टेन मिनट के सेशन में जितनी एवरेज इंटेंसिटी जो है वो एक्ट करेगी वो टाइम एवरेज या स्पेश एवरेज टाइम जो है हम उसको इस डिनोट करते हैं अब इसमें हमारे पास एक और चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए होती है वो होती है मार्क स्पेस रेशियो ये इंपॉर्टेंट होता है और ये बेसिकली हम पल्स मोड में यूज़ कर रहे होते हैं मार्क जो है ये डिनोट करता है जब जो अट्रासाउंड की जो डिवाइस है वो ऑन होती है और ये डिनोट करता है स्पेस जब ऑफ होती है तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली यूज़ रेशो

कि सपोज ही हमारे पास स्किन का सर्विस है तो जब भी अल्ट्रासोनिक बीम आएगी तो कुछ तो पेनिट्रेट कर जाएगी लेकिन जो उसका कुछ पार्ट होता है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है ठीक है तो इसमें हमारे पास क्या होता है इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या है कि हम ये जो स्किन और जो बीम सॉरी जो अल्ट्रासाउंड का हेड होता है इसके बीच में हमने एयर की जो प्रेजेंस है उसको जो है प्रिवेंट करना होता है क्योंकि जो साउंड वेव्स होती हैं या जो है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं ये एयर में पास नहीं करते तो इसके लिए हम कपलिंग मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं ठीक है अब हमारे पास क्या होता है कि जब भी जो अल्ट्रासोनिक बीम आती है तो उसमें से जो हर इंटरफेरेंस पर कुछ वापस रिफ्लेक्ट पैक हो जाता है और ये हर इंटरफेरेंस पर होता है तो इस चीज़ को हम बेसिकली क्या कहते हैं एम्पिडेंस कहते हैं और अकोस्टिक एम्पिडेंस कहते हैं ठीक है अब इसमें हमारे पास एक और चीज़ देखनी होती है कि जब भी एम्पिडेंस हमारे पास जो है लो है तो हमारे पास जो ट्रांसमिशन है वो हाई होती है जो हमारे पास ट्रांसमिशन होती है वो हाई होती है ठीक है और ये जो बेसिकली जो अकोस्टिक एम्पिडेंस होती है ये हमारे पास रेशियो होती है रिफ्लेक्शन जो जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो ट्रांसमिशन का जो है रेशियो ये इस चीज़ को शो करती है ठीक है और इसके बाद हम फोर्थ पैरामीटर की तरफ मूव करते हैं जिसको एटानिवेशन कहते हैं अब हम फोर्थ फैक्टर को डिस्कस करते हैं फोर्थ पैरामीटर को डिस्कस करते हैं जो कि अटैनुएशन होता है अटैनुएशन बेसिकली क्या होती है इसमें जो होती है ग्रेजुअल बेसिकली ग्रेजुअल जो है हमारे पास रिडक्शन हो रही होती है इंटेंसिटी की जब जो है वो जो बीम uh, होती है वो लीव करती है अल्ट्रासोनिक हेड को ठीक है तो ग्रेजुल तो हमारे पास इंटेंसिटी की रिडक्शन हो जाती है अब ये जो है ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करिए जो फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास वो एब्जॉर्प्शन है वो एब्जॉप्शन है और जो सेकंड फैक्टर है वो स्कैटर है ठीक है वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर एब्बॉशन में हमारे पास ये होता है जो टिश्यूज होते हैं वो जो है अल्ट्रासोनिक बीम उनमें में होती है उसकी वजह से हमारे पास जो है थर्मल या हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ठीक है तो उसकी वजह से क्या है कि हर जब भी जो वेव आएगी जितनी दफ़ा भी अल्ट्रासोनिक हेड के थ्रू तो वो एब्जॉर्व होती जाएगी तो उसकी जो इंटेंसिटी है, है, है वो रिड्यूस होती जाएगी ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे पास सेकंड चॉइज का फैक्टर है वो स्कैटर है तो जो हमारे पास पैरामीटर पे है वो अल्ट्रासोनिक फील्ड का होता है ये हमारे पास जो है दो टाइप्स की होती है नियर होती है या फार फील्ड होती है ठीक है सॉरी स्पेलिंग इसकी गलत है फार फील्ड होती है ये जो है ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन और, और इंटेंसिटी के ऊपर अब बेसिकली अल्ट्रासोनिक फील्ड जो है नियर और फार ये बेसिकली हम इसको स्टडी क्यों करें हमारे पास जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनको हमें ट्रीट करना होता है उनका जो डिस्टेंस होता है इसमें एक फैक्टर होता है डिस्टेंस का तो उनका हर जो बॉडी पार्ट का जो डिस्टेंस होता है ना वो डिफरेंट होता है तो उसकी वजह से कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स का डिस्टेंस नियर होगा जहाँ पे इस बीम में ट्रेवल करने और कुछ का फार होगा तो उसकी वजह से जो है डिफरेंट इफेक्ट आता है लेकिन जो हम मोस्ट कॉमनली स्टडी करते हैं वो नियर को करते हैं क्योंकि जो नियर फार जो सॉरी जो नियर अल्ट्रासोनिक फील्ड होती है वो ज़्यादा जो है उसका इफेक्ट आता है या वो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है एज़ कम्पेयर टू द फार फील्ड ठीक है अब अगर तो हम नियर की बात करते हैं इसके लिए हमारे पास क्या होता है तो हम हम इसके नेक्स्ट पैरामीटर को डिस्कस करते हैं जो कि कपलिंग मीडिया होता है ये बेसिकली मेजर और मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है अल्ट्रासोनिक बीम की कपलिंग मीडिया होता है ठीक है अल्ट्रासोनिक बीम के ट्रांसमिशन में हमें पता है कि जो साउंड वेव होती है वो एयर में ट्रेवल नहीं करती है और सेम पर हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक सॉरी अल्ट्रासाउंड के अंदर ठीक है अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सपोज ये हेड है और ये स्किन है इसके बीच में ए प्रेजेंट होता है तो हमने कोई भी जेल या बेसिकली कोई भी मीडियम प्लेस करना होता है ताकि जो उसकी ट्रांसमिशन है अल्ट्रासोनिक बीम की वो मैक्सिमम हो सके स्किन के अंदर ठीक है तो हमारे पास ये जो कंप्लिक मीडिया होता है ये इस चीज़ में हेल्प आउट करता है तो जो हमारे पास कुछ बेसिकली एग्जांपल्स हैं कंप्लिन मीडिया के जिसमें जो हम मोस्ट कॉमनली जो हा, हा, हम सेटिंग्स क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज़ करते हैं वो एक्वासोनिक जेल होती है ठीक है इसमें जो अब हम जो है थेरापेटिक अट्ट्रासाउंड के फिजियोलॉजिक इफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं जिसमें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हमारे पास थर्मल इफेक्ट्स भी आते हैं कुछ नॉन थर्मल भी आते हैं नॉन थर्मल की वजह से जो है इसको बेसिकली इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर पहले कंसडर नहीं किया जाता था लेकिन अब इसको पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी मोडायलिटी थी, कंसिडर ठीक है तो जो हमारे पास थर्मल जो इसके इफेक्ट्स आते हैं जो मेन हमारे पास एक फैक्टर होता है वो एब्जॉर्प्शन का होता है अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोटीज़ होती हैं बेसिकली जो प्रोटीन्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से जो है अल्ट्रासोनिक बीम को एब्जॉर्ब करती हैं तो वहाँ पे जो प्रोटीन वाला पार्ट होगा अगर हम बेसिकली जो मसल्स हैं बेसिकली तो वहाँ पे अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा हमारे पास जो है थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ठीक है इसी तरीके से हम एक फैक्टर जो और कंसडर करते हैं वो टाइम का होता है सपोज ये एरिया हमारे पास है जिसको हम ट्रीट करें तो इस एरिया के ऊपर से जितनी दफ़ा हमें ट्रीटमेंट है जो है पास करेगा उतना ही थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा अब ये जो एप्लीकेशन होती है ना इसके बेसिकली डिफरेंट मथड्स होते हैं हम कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में कर सकते हैं हम फिगर ऑफ एट में कर सकते हैं हम ट्रांसफर्स कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से।, से इसके अलावा हमारे पास ये जो थर्मल इफेक्ट होता है ये सर्कुलेशन भी इसमें हमारे पास जो है वो इम्प्रूव हो जाती है ठीक है सर्कुलेशन इंप्रू होती है हमारे पास उसके अलावा अगर तो हम कॉन्टीन्यूस हमारे पास हमारे पास जिसका मोड है कॉन्टीन्यूस है हम अप्लाई करें तो हमारे पास जो वहाँ पर हीट होगी उसका इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है तो वहाँ पर ज्यादा बेसिकली तो हमारे पास थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस हो होगा हीट और ड्यूरेशन ठीक है ड्यूरेशन का जितनी देर के लिए और जितना ज़्यादा इंटेंसिटी का होगा उतना ज़्यादा थर्मल इफेक्ट आएगा दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर तो हम पल्स मोड यूज़ करते हैं तो इसमें हमें मार्क्स पीस रेशो देखना होता है ठीक है अब अगर सपोज हम रेशो फोर यूज़ करें तो वहाँ पर हमारे पास जो थर्मल इफेक्ट होगा वो कम प्रोड्यूस होगा लेकिन अगर हम वन रेशो वन यूज करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो थर्मल इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा अब इसमें हमने एक चीज अंडरस्टैंड ये करनी है कि ये जो अल्ट्रासोनिक बीम होती है इसको हमने अवॉइड करना होता है जो हमारे पास सपोटेनियस बोनी प्रोमिनेंस होती है वहाँ पे हमें अवॉइड करना होता है इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हम बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर अप्लाई करते हैं हमारे पास वहाँ पे ओवर हीटिंग हो जाती है और वो जो ओवर हीटिंग होती है ना वो हमारे पास एस पेरी पेन रिप्रेजेंट करती है ठीक तो है तो इसलिए हमें वहाँ पर इसको अवॉइड करना होता है